हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट और निसान मैग्निट के बीच में। ये हमारा इस कंपैरिजन पे दूसरा एपिसोड है और आज की इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ी के सेकेंड लोअर बेस मॉडल के बीच में कंपेयर करेंगे। पहले हमने सोचा कि हम इसके सबसे निचले मॉडल के साथ कंपेयर करें, लेकिन उस मॉडल के बीच कंपेरिजन का कोई सेंस बन नहीं रहा था, तो हमने सेकेंड लोअर बेस के बीच में ये कंपेरिजन लेके आए हैं, जहाँ पर हमने लिया है स्विफ्ट का BXi मॉडल जिसकी कीमत है 6,19,000 रुपये और मैग्नाइट का लिया है XL मॉडल जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए। यार शोरूम प्राइसेस की बात करें दोनों की प्राइस के बीच में 19,000 रुपए का फर्क है। शुरुआत करते हैं दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशन एंड कैपेसिटीज के साथ। अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेस ऑटो कंपैरिजंस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो कंपेयर को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि ऑटोमोबाइल दुनिया की जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको सबसे पहले जानने को मिल जाए। दोस्तों अगर हम यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर लंबाई के मामले में आपको 154 mm की ज्यादा लंबाई देखने को मिल जाती है मैग्नाइट में। चौड़ाई के मामले में आपको 23 mm की ज्यादा चौड़ाई देखने को मिल जाएगी मैग्नाइट में। ऊंचाई की बात करें तो 42 mm की ज्यादा आपको ऊंचाई देखने को मिल जाती है मैग्नाइट में। बूट स्पेस की बात करें तो आपको 68 mm का अधिक बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है मैग्नाइट में। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं तो 42 mm का आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है निसान मैग्नाइट में। तो इन द टर्म्स ऑफ डिजाइन की बात कर ले तो जो स्विफ्ट है ये एक हैचबैक गाड़ी है और जो मैग्नाइट है एक SUV गाड़ी है। तो अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है तो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा दिखने में बड़ी और अट्रैक्टिव लगती है, तो वो है निसान मैग्नेट। ओवरऑल एक स्विफ्ट एक हैचबैक है, ये भी आप बात नोटिस कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के तरफ इंजन्स की। दोस्तों आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट में देखने को मिलता है 1.2 लीटर का VTVT पेट्रोल इंजन जो कि 1197 cc के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। दोस्तों ये एक 4-सिलेंडर इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 81.80 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क और ये गाड़ी एक 5-स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। वही बात करें निसान मैग्नाइट की, दोस्तों इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 1.0 लीटर का B4D इंजन जो कि पेट्रोल इंजन है। दोस्तों ये इंजन 999 cc के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है और दोस्तों ये एक 3-सिलेंडर इंजन है। दोस्तों ये इंजन जनरेट करती है पावर 70.1.02 bhp का विद टॉर्क ऑफ 96 Nm टॉर्क और ये भी 5-स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर दोस्तों हम इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करें तो कौन सा इंजन ज्यादा अच्छा है, तो हम कहेंगे स्विफ्ट का इंजन आपको ज्यादा आपको पावरफुल और ज्यादा रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाता है क्योंकि ये जो इंजन दोस्तों ये 4-सिलेंडर से आती है और ज्यादा पावर भी जनरेट करती है। सो इन टर्म्स ऑफ इंजन स्विफ्ट इज बेटर। अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नाइट के मामले में तो ये भी इंजन काफी अच्छा है, आपको परफॉर्मेंस काम चलाने भर का दे देगी, लेकिन सीधी भाषा में कह रहे तो स्विफ्ट का इंजन ज्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों बात करें कंफर्टेबल फीचर्स के मामले में। इस सेक्शन को बताने के लिए हम सबसे पहले वो फीचर बताएंगे जो कि दोनों गाड़ियों के मॉडल में सेम दिया गया है। उनका नाम है AC, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, कीलेस एंट्री, एसेसरी पावर आउटलेट, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर, पावर स्टीयरिंग, पावर बूट और रिमोट टर्न ओपनर। ये सारे ही फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों के दोनों ही वेरिएंट पे दिया गया है। अगर हम बात करें कुछ डिफरेंस की तो मैग्नाइट में आपको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं स्विफ्ट की VXi मॉडल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर उनका नाम है, पहला है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरा है एयर क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा है सीट नंबर सपोर्ट, चौथा है USB चार्जिंग फ्रंट की तरफ और पाँचवा है टेलगेट अजार। ये 5 ऐसे फीचर है जो कि आपको मैग्नाइट में देखने को मिलते हैं इसके XL मॉडल में और VXi में नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें तो स्विफ्ट में एक एक्स्ट्रा फीचर जरूर देखने को मिलेगा, वो है रिमोट फ्यूल लिड ओपनर। तो अगर हम बात करें फीचर्स के मामले में तो आपको सस्ते में ज़्यादा फीचर कौन दे रहा है, तो वो है मैग्नाइट। अब दोस्तों बात करें हम लोग इंफोटेनमेंट के मामले में। इंफोटेनमेंट के मामले में आपको दोनों ही गाड़ियों में कोई टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। इन दोनों ही मॉडल्स में आपको MP3 सिस्टम देखने को मिल जाता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 4 स्पीकर इन दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इंफोटेनमेंट के मामले में बात करें तो किसका डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करें सेफ्टी के मामले में, कौन सी गाड़ी है ज़्यादा सेफ। दोस्तों सबसे पहले हम सेफ्टी स्कोर जान लेते हैं। जब यहाँ पर स्विफ्ट का सेफ्टी हुआ था तो इसको मिले हैं ग्लोबल एनकैप पे सेफ्टी रेटिंग में सिर्फ 2 स्टार जो कि ज़्यादा अच्छा मैं से नहीं मानता हूँ। वहीं बात करें निसान मैग्नेट की तो अभी तक ये गाड़ी का कोई यहाँ पर सेफ्टी टेस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहूँ तो आपको जो निसान मैग्नेट है ये CMFA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर क्विड जैसी गाड़ियाँ बनती है। तो ओवरऑल इसके सेफ्टी रेटिंग के बारे में अभी कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसका अभी तक कोई यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग नहीं आया है। तो अगर हम सेफ्टी के मामले में बात करें दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी मैं यही कहूँगा ज़्यादा बेकार नहीं बुरा है, ठीक ठाक है, आप इन्हें अच्छा ना ही माने तो ही बेहतर है क्योंकि 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं होती है।
यहाँ पर बात करें सेफ्टी में, आपको फीचर्स हालांकि बहुत अच्छे दोनों में दिए जा रहे हैं। दोनों ही गाड़ी आपको ABS, CVT, दो एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो स्विफ्ट है इसके अंदर तीन एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे। पहला है ब्रेक असिस्ट, दूसरा है स्पीड अलर्ट और तीसरा है ISO चाइल्ड फिक्स माउंट। वहीं आपको निसान की बैकग्रिड में दो एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे। पहला है एंटी रोल बार और दूसरा है इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। अगर हम सेफ्टी की नजर से बात कर रहे हैं तो दोनों गाड़ी काम चला हुआ है, हाँ ठीक ठाक है। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि ज़्यादा आप बहुत मजबूत गाड़ी में चल रहे हो, लेकिन दोनों गाड़ी ठीक ठाक परफॉर्म करती है। अगर सेफ गाड़ी चाहिए तो भाई टाटा की तरफ जाओ, जिसमें 4 या 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाएगी टियागो वगैरह में। तो यहाँ पर हम ओवरऑल कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए तो स्विफ्ट ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर मैग्नेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंजन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इंजन परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकल के आ जाता है, कोई शिकायत नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छा दोनों परफॉर्म कर जाएंगी। ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी गाड़ी दिखने में ज़बरदस्त लग रही है, तो मैं कहूँगा यार मैग्नाइट का लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और स्विफ्ट तो अपनी जगह अच्छी दिखती ही है। तो ओवरऑल आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे ऑटो कंपेरिजन को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो कंपेयर को, और आप आने वाले भविष्य में कौन से और कंपेरिजन को देखना चाहेंगे तो मेक श्योर हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।